अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका रिदास किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ कि आप लोग घर में कैसे स्ट्रॉबेरी सॉस बना सकते हैं। होममेड स्ट्रॉबेरी सॉस, सिरप या फिर ग्लेज अगर आप इसे कह लें, तीनों तरीके बताऊँगी एक ही वीडियो में। रेसिपी नंबर मेरी 161 है और इसके इंग्रेडिएंट्स हम नोट कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज चाहिए, अगर आपके पास फ्रेश है फ्रेश यूज़ करें, फ्रोज़न है यानी फ्रीज़ की हुई है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 25 या फिर 30, अगर बड़े साइज़ की हैं तो 25 यूज़ करें, अगर इस तरीके की छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज हैं तो 30 या फिर 35 यूज़ करें, ठीक है। वाटर हमें हाफ ग्लास चाहिए, यानी कि पानी आधा ग्लास ले सकते हैं या फिर आधा कप, अगर कप है तो कप लें। शुगर हमें चाहिए 1 कप, यानी कि चीनी 1 कप चाहिए। लेमन जूस हमें 1 टीस्पून चाहिए। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर का जग लिया है, उसका ढक्कन साइड पे करेंगे और इसके अंदर जो है ना स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरीज हैं, फ्रेश आई हुई हैं। बड़ा अच्छा इसका जो कलर है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मौसम आजकल इसका। तो मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं। अब इसके अंदर 1 कप चीनी जाएगी, रेगुलर शुगर है ये, पिसी हुई चीनी की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके अंदर 1/2 कप मैं पानी डाल रही हूँ। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे और अब बस इसको आपने कवर करके 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है जी। तो मैंने इसे पूरे 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए ज़बरदस्त सा एक मिक्सचर बन गया है। अब यहाँ पे एक सॉस पैन लेंगे या फिर पतीली कह लें आप लोग। अब इसके ऊपर एक छन्नी रखूँगी मैं और ये जो सारा हमने मिक्सचर बनाया ना इसमें छान के डाल देंगे, ठीक है। छान के आपने डालना है, ये लाजमी छानना है क्योंकि हमें एक प्योर सॉस चाहिए तो उसके लिए इसे छानना ज़रूरी है जी। तो देखिए मैंने जो है अच्छे तरीके से सारा जूस निकाल लिया, इसमें कुछ भी ज़ाया हमने नहीं किया। ये जो स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर छोटे छोटे दाने से होते हैं ना, ये येलो से कलर के, ये बस हमने जो है निकालने, क्योंकि हमें स्ट्रॉबेरी सॉस बिल्कुल क्लियर चाहिए तो ये वेस्ट होगा। इसके अलावा कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इसका जूस हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने जो पतीली है इसको एक चूल्हे पे रखती है, यानी फ्लेम ऑन करके रखती है। अब हम इसे एक उबाल आने देंगे, ठीक है। इसमें एक उबाल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक उबाल आ गया है। अब आपने इस पॉइंट पर क्या करना है, जो इसके ऊपर वाइट वाइट झाग सी बन रही है ना, आपने इसको छन्नी से निकाल देना है। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो ये जो सॉस है ये ऑरेंज से कलर की बनेगी और ये अच्छी नहीं फिर लगेगी, ठीक है। देखिए इसके ऊपर से जो है ना मैंने साथ साथ इस तरीके से जो झाग बन रही है ना वो निकाल रही हूँ। तो जब उबाल आया था मैंने इसकी जितनी झाग बन रही थी ना वो इस तरीके से निकाल ली है, तो ये आपने ज़ाया कर देनी है। अगर ये झाग आप नहीं निकालेंगे तो ये जो सॉस का कलर अभी आपको नज़र आ रहा है ना पिंक पिंक, ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने साथ साथ झाग निकालते जाना है और जब ये आप लोग इस तरीके से झाग इसकी निकाल लें तब आपने इसको हल्की आंच पे पकने देना है 7 से 8 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको पका रही हूँ 7 से 8 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए। तेज़ होगी तो ये पकने लगेगा, पक पक के इसकी झाग बनती रहेगी और ये सारी सॉस ज़ाया हो जाएगी जी। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हल्की फ्लेम पर और साइड पर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी झाग बनती रही है और मैं ऐसे इसको निकालती रही हूँ, ठीक है। ये झाग निकालना ज़रूरी है, अगर आप ये झाग नहीं निकालेंगे तो इसका कलर ऐसा नहीं आएगा। देखिए मुझे इसी तरह की ये सॉस चाहिए क्योंकि इसने जब ठंडा होना है तो इसने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है। आप लोग जब पका रहे होंगे ना इसको तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाढ़ी हो गई है जितनी हमें चाहिए। ये देखिए इस तरीके से है, अगर आप इसको ऐसे लेंगे ना तो इस तरह की इसके अंदर लेस सी बननी चाहिए, देखें ऐसी। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसके अंदर जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है लेमन जूस, तो वो मैंने ऐड कर दिया है, ये डालना ज़रूरी है। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त ये हमारी सॉस तैयार हो गई है, फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। देखें जी कितनी आसान तरीके से मैंने आपको सिखाई है, जैसी बाज़ार से सॉस मिलती है अब आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे जो है हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको क्या करना है। देखें जी मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक बाउल ले लिया है जिसमें हम इसको निकाल लेंगे। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारी सॉस इसमें डाल देते हैं। माशाल्लाह से देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी ज़बरदस्त बनी है ये देखें। तो जी ये देख सकते हैं, पहले आप लोग देख लें कि ये सॉस किस तरह की है, मतलब कितनी गाढ़ी है। ये देखें इतनी या ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, इतनी रखनी है आपने, ठीक है। फिर अब आप इसको जब रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ना, यानी इस तरह ही रखेंगे, तो ये जब ठंडी होगी ये फुल गाढ़ी सी हो जाएगी, ठीक है।
अभी आपने इस तरह ही रखना है, पहले अगर आप ज़्यादा गाढ़ी कर लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट है कि अब आपने इसको ठंडा करके फिर फ्रीज़ करना है, यानी फ्रिज में रखना है, सॉरी स्टोर करना है। तो स्टोर करने में ये है कि आपने इसे 2 हफ्ते के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये बना के रख लें, 2 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 वीक्स तक यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मीठे में, डिज़र्ट में, आजकल स्ट्रॉबेरीज का मौसम है, आइसक्रीम्स बन रही हैं, घरों में शेक्स बन रहे हैं, जूसेस में इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी डिज़र्ट में यूज़ हो सकता है। इंशाल्लाह जल्दी मेरे चैनल पर बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज की डिज़र्ट, आइसक्रीम शेक्स की रेसिपी आने वाली है, इसी वीक में आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से, बगैर व्हिपिंग क्रीम के आइसक्रीम सिखाऊंगी, शेक बनाना सिखाऊंगी, वो भी आसान तरीके से सिखाऊंगी। बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। और अगर आप लोगों को लगा है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है, आप लोगों ने मुझसे कुछ सीखा है बनाना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं 1 साल से यूट्यूब चैनल चला रही हूँ लेकिन अभी तक मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी मुझे जो है सपोर्ट करेंगे। तो ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी, और आप लोग को पसंद आई है तो मुझे अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके कमेंट्स को रिप्लाई भी दे सकूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।